गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 4, अहम पठामी। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण देखिए तथा क्रियापद लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, उसके आधार पर आपको क्रिया का रूप लिखना है। नंबर 1, वरुणा डैश, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है लिख, तो लिख मूल धातु हो गया, इसका रूप आपको लिखना है। तो कैसे, यहाँ पर वरुणा, वरुण क्या है, एक वचन है ना, एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी क्या होगी, एक ही वचन होगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, लिखती। उसी प्रकार त्वम डैश खेल। नंबर 3, अहम डैश खाद। नंबर 4, सा डैश खेल, यहाँ पर सा स्त्रीलिंग है और एक वचन है। 5, अहम सत्यम डैश वद। नंबर 6, सा बालका डैश नम। 7, ते डैश धाव। नंबर 8, त्वम डैश हस। इसमें सबका रूप भरना, यहाँ देखिए यह सेंटेंस में एक प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो भी जिस भी पुरुष में रहेगा और जो वचन में रहेगा उसी वचन का आपको क्रिया भी लिखना होगा। नंबर 2, रेखांकित पद को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है उस पद को आपको शुद्ध करके लिखना है, यहाँ पर एक वर्ड गलत है, ठीक है। अहम अपि फलम खादति, यहाँ पर खादति के नीचे अंडरलाइन है, तो इसको आपको क्या करना है, करेक्शन करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो फलम अहम है, अहम है और इधर खादति है, तो क्या होगा, अहम के साथ क्या लगता है, मी लगता है ना, तो क्या हो जाएगा, खादामी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, खादामी। ख, किम त्वम न खादति। ग, स लिखती, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग रोंग है इसका। घ, अहम पठती। अंग, किम त्वम लिखती। च, अहम न लिखती। नंबर 3, मंजूषा से उचित पद लेकर संवाद पूरा कीजिए। संवाद मतलब दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, है ना, संवाद, बातचीत करना। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन आपको आम, किम, प्रातः, सायं, अपि, सत्यम। प्रथमा, अहम डैश पठामी, अब यहाँ पर इसे चुन के आपको यहाँ भरना है। द्वितीय, किम त्वम डैश खेलसि। प्रथमा, डैश अहम सायं खेलामी। द्वितीय, डैश त्वम सत्यम वदसि। प्रथमा, आम अहम डैश वदामी। द्वितीय, अहम डैश सायं खेलामी। इतना आपको क्या करना है, रफ नोटबुक में लिखना है और इसको प्रैक्टिस करना है, इसमें चीटिंग नहीं करना है, बिना नोटबुक और बुक बिना देखे आपको बनाना है, नो चीटिंग, ओके?